महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह की महानता के बारे में बताते हुए युधिष्ठिर ने एक चक्रवर्ती राजा उग्रायुद्ध का उल्लेख किया है। युधिष्ठिर ने कहा कि भीष्म पितामह ने पांडव और कौरवों के जन्म से पहले ही हस्तिनापुर पर हमला करने वाले अनगिनत शत्रुओं को परास्त किया था। कई शक्तिशाली योद्धा बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ आए, लेकिन कोई भी भीष्म के सामने टिक नहीं पाया। एक समय उग्रायुद्ध नामक एक बलशाली राजा ने भीष्म को चुनौती देते हुए उनकी माता सत्यवती को उठा ले जाने की धमकी दी। भीष्म जानते थे कि यह शत्रु अन्य राजाओं जैसा साधारण नहीं था। पांचाल के उग्रायुद्ध ने एक धधकते चक्र को प्राप्त किया था जो अत्यंत शक्तिशाली और अजेय था। इस चक्र को रोका नहीं जा सकता था और यह इंद्र की शक्ति की तरह था। इस चक्र का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। भीष्म पितामह ने कई कठिन लड़ाइयां लड़ी और शत्रुओं को हराया, लेकिन उग्रायुद्ध का यह धधकता चक्र एक विशिष्ट चुनौती थी। उग्रायुद्ध की यह शक्ति उसे अन्य राजाओं से अलग बनाती थी। आज हम जानेंगे कि जब उग्रायुद्ध ने हस्तिनापुर पर आक्रमण किया तो क्या हुआ। क्या भीष्म पितामह उसे रोक सके या उग्रायुद्ध उनकी माता को हर ले गया। इस दिलचस्प कहानी को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा, पितामह, उग्रायुद्ध किसका पुत्र था? किस वंश में उत्पन्न हुआ था? आपसे उसकी क्या शत्रुता थी? ये मुझे विस्तार से बताइए। भीष्म ने कहा, राजा अजामित के पुत्र विद्वान राजा यवीनर थे। उनके पुत्र धृतिमान थे जिनके पुत्र सत्यधृति थे। उनके पुत्र शक्तिशाली नेमी थे जिनके पुत्र राजा सुधर्मा थे। उनके पुत्र राजा सार्वभौम थे। वे संसार के एकमात्र भगवान थे और इसलिए उन्हें सार्वभौम कहा जाता था। उनके परिवार में पुरु के वंशज महान उत्पन्न हुए। महान के पुत्र को राजा रुक्मरथ के नाम से जाना जाता था। उनके पुत्र राजा सुपार्श्व थे जिनके पुत्र धर्मपरायण सुमति थे। उनके पुत्र पुण्यात्मा और शक्तिशाली सन्नति थे। उनके पुत्र पराक्रमी राजा कृत थे। वे महामना हिरण्यनाभ के शिष्य थे। उनके द्वारा सामवेद की संहिता को 24 तरीकों से गाया गया है। इसी कारण पश्चिमी सामन और उसके गायक कार्ती नाम से जाने जाते हैं। कृत का पुत्र वीर उग्रायुद्ध था जो पुरु के वंश में उत्पन्न हुआ था। उन्होंने अपने पराक्रम से पांचालों के स्वामी प्रसिद्ध के पितामह महातेजस्वी नीप को मार डाला था। तात वे उग्रायुद्ध बड़े दुष्ट स्वभाव वाले और बलवान थे। उनका महान चक्र चलता था। उन्होंने नीपों का संहार कर डाला था। वे नीपों तथा दूसरे राजाओं का युद्ध में वध करके घमंड से भर गए थे। जिस समय मेरे पिता मर गए थे और मैं मंत्रियों से घिरा हुआ पृथ्वी पर शयन करता था, उसी समय उन्होंने मुझसे बड़ी कुत्सित पापपूर्ण बात कहलवाई। राजेंद्र उग्रायुद्ध का दूत मेरे पास आकर कहने लगा, हे कौरवों में श्रेष्ठ, आज तुम स्त्रियों में रत्न स्वरूप अपनी माता यशस्विनी गंधकाली को मेरी भार्या बनने के लिए दे दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो निस्संदेह मैं तुम्हें इच्छा अनुसार विशाल राज्य तथा धन दूंगा। मैंने पृथ्वी पर अपनी इच्छानुसार रत्न प्राप्त किए हैं। हे भरतवंशी, मेरे पास जो तेजस्वी और अदम्य चक्र है, उसको सुनने मात्र से या इसे देखते ही शत्रु युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं। यदि तुम अपना राज्य, जीवन और अपने परिवार का कल्याण चाहते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो, अन्यथा तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। जब मैं भूमि पर कुशा की छाया पर सो रहा था, उस समय उसने दूत के द्वारा यह अग्नि की ज्वाला के समान जलाने वाली बात कहलवाई थी। मैंने उस दुष्ट बुद्धि वाले की इच्छा को जानकर अपने सेनापति को युद्ध करने की आज्ञा दी। विचित्र विरजा के बालक होने और मेरे संरक्षण में रहने के कारण मैं क्रोध से भर गया और युद्ध करने का मन बना लिया। परंतु हे निष्पाप, मेरे सभी मंत्रियों ने, मंत्रणा करने वाले देवतुल्य रथविकों ने, शुभचिंतकों ने, शास्त्रों को अच्छी तरह जानने वाले शुभचिंतकों ने मुझे युद्ध न करने के लिए कहा और उचित तर्क भी बताए। मंत्रियों ने कहा, हे प्रभु, यह दुष्टात्मा उग्रबुद्ध विनाश का कार्य कर रहा है और आप भी अशुद्ध हैं, इसलिए आपको अपना पहला कार्य युद्ध नहीं करना चाहिए। हम पहले समझौता, दान और मतभेद उत्पन्न करने के उपायों का सहारा लेंगे और जब आप शुद्ध हो जाएं, तो आपको देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, ब्राह्मणों से आशीर्वाद अनुष्ठान करवाना चाहिए और फिर उन्हें नमस्कार करके उनकी अनुमति प्राप्त करके विजय के लिए प्रस्थान करना चाहिए।
वृद्ध ऋषियों ने कहा है कि शोक में डूबे हुए मनुष्य को शस्त्र नहीं उठाना चाहिए और न ही संधि करनी चाहिए। पहले समझौता और दान का उपाय करके फिर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए और उसके बाद आपको अपना पराक्रम दिखाते हुए उसका वध करना चाहिए, जैसे इंद्र ने राक्षस का वध किया था। हे राजन, वृद्ध मुनियों की बात समय पर माननी चाहिए। यह सुनकर मैं युद्ध से विरत हो गया। तत्पश्चात मंत्रणा करने वाले उन मंत्रियों ने सब उपाय आजमाए। हे कुरुश्रेष्ठ, उस समय उत्तम कार्य आरंभ हुआ। संधि के उपायों के द्वारा और आशियों द्वारा सुझाए जाने पर भी वह दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति जीता न गया। यद्यपि उस पापी का चक्र चल पड़ा था, परंतु परस्त्री की लालसा के कारण वह तुरंत रुक गया। उस समय मैंने यह नहीं देखा कि उसका उत्तम चक्र रुक गया है, जो धर्मात्माओं द्वारा अपशब्द कहे जाने पर अपने ही कर्म से निष्फल हो गया था। तत्पश्चात शुद्ध होकर और ब्राह्मणों द्वारा वर देने के पश्चात मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर नगर से बाहर निकल गया और अपने शत्रु के साथ युद्ध करने लगा। तत्पश्चात शस्त्रों से सुदृढ़ सेना का सामना होने पर देवताओं और दानवों के समान भयंकर युद्ध हुआ। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया, तब वह वीर मेरे शस्त्रों के प्रभाव से भस्म हो गया और प्राण त्याग कर नीचे गिर पड़ा। इस बीच, हे मेरे पुत्र, प्रिशत ने कांपिल्य प्रांत की ओर प्रस्थान किया। राजा नीप और उग्रायुद्ध के मारे जाने पर उस महातेजस्वी ने अपने पैतृक राज्य अहिच्छत्र को प्राप्त किया। हे राजन, वह राजा द्रुपद का पिता और मेरा मित्र था। तत्पश्चात युद्ध में बलपूर्वक द्रुपद को परास्त करके अर्जुन ने द्रोण को अहिच्छत्र के साथ कांपिल्य प्रांत प्रदान किया। दोनों राज्य स्वीकार करके विजेताओं में श्रेष्ठ द्रोण ने कांपिल्य को द्रुपद को दे दिया। यह बात तुम्हें ज्ञात है। इस प्रकार मैंने द्रुपद के पूर्वज ब्रह्मदत्त और वीर उग्रायुद्ध के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन तुम्हें किया है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।